कार्यालयीन लेखन के अंतर्गत प्रतिवेदन महत्वपूर्ण है। इसे ही रिपोर्ट राइटिंग कहा जाता है। प्रतिवेदन अनेक कारणों के लिए लिखा जाता है। कार्यालय लेखन के अंतर्गत प्रतिवेदन महत्वपूर्ण काम माना जाता है। किसी घटना या समस्या को जानने के लिए प्रतिवेदन की नितांत आवश्यकता होती है। किसी घटना के घटित होने के बाद या किसी समस्या के निराकरण के लिए प्रतिवेदन लिखा जाता है। कभी कभी प्रतिवेदन किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है तो कभी कभी प्रतिवेदन समिति द्वारा भी लिखा जाता है। प्रतिवेदन के विभिन्न पहलुओं को जानने की कोशिश इस वीडियो में की गई है। आइए देखते हैं प्रतिवेदन। आइए जानते हैं प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट राइटिंग। प्रतिवेदन, प्रतिवेदन का स्वरूप सबसे पहले जान लेते हैं। प्रतिवेदन का स्वरूप, प्रतिवेदन का सरल अर्थ है किसी प्रकरण विशेष या घटना विशेष की जानकारी प्रस्तुत करना अथवा सूचना देना। किसी घटना प्रसंग की जानकारी देना ही प्रतिवेदन का उद्देश्य होता है। सरकार या अन्य किसी संगठन के विषय या समस्या को लेकर प्रतिवेदन लिखा जाता है। सरकारी कार्यालयों में प्रतिवेदन अथवा रिपोर्ट के रूप में इसका प्रयोग होता है। अंग्रेजी के रिपोर्ट के अर्थ में वृत्त, वृत्तांत, विवरण, सूचना, समाचार तथा प्रतिवेदन आदि शब्द मिलते हैं। प्रतिवेदन यह शब्द प्रति और वेदन के योग से बना है। विद धातु को प्रति उपसर्ग लगने से प्रतिवेदन शब्द बना है। प्रतिवेदन शब्द के लिए वृत्त, इतिवृत्त, सूचना, विवरण, विवरणी, रपट आदि अनेक पर्याय मिलते हैं। प्रतिवेदन यह पारिभाषिक शब्द है। प्रतिवेदन का अर्थ है पूरी जानकारी देना, विस्तृत लेखा जोखा या घटना का विवरण। प्रतिवेदन या रिपोर्ट शब्द का उपयोग पत्रकारिता, विधि, प्रशासन, पुलिस, वैद्यकीय क्षेत्र आदि जगहों पर प्रयुक्त होता है। विवरण, शिकायत, सूचना, समाचार आदि के लिए प्रतिवेदन शब्द प्रयुक्त किया जाता है। पुलिस थाने में दाखिल रिपोर्ट, डॉक्टर द्वारा देखी मरीज की रिपोर्ट, किसी छात्र की रिपोर्ट, संवाददाता द्वारा भेजी गई अखबार के लिए रिपोर्ट आदि से कार्यालय लेखन से संबंधित रिपोर्ट अथवा प्रतिवेदन भिन्न होता है। कार्यालय लेखन के लिए प्रयुक्त प्रतिवेदन में एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा पूरी छानबीन के बाद तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। प्रतिवेदन तैयार करने वाले को प्रतिवेदक कहते हैं। सरकारी अधिकारी, गैर सरकारी व्यक्ति अथवा किसी समिति द्वारा किसी मामले या कोई विशेष प्रकरण की जांच के बाद सुगठित रूप से आवश्यक होने पर सुझाव सहित प्रस्तुत विवरण, रिपोर्ट आदि को प्रतिवेदन कहते हैं। एक और व्याख्या से हम प्रतिवेदन को समझ लेते हैं। कार्यालयीन, सामाजिक या किसी अन्य विषयों के लिए प्रतिवेदन की आवश्यकता होती है। इसी तरह के प्रतिवेदन के लिए सक्षम प्राधिकृत व्यक्ति या समिति का चयन किया जाता है, जो निश्चित समयावधि में तथ्यों की छानबीन कर पूरी जांच पड़ताल के बाद तथ्यों और अनुभवों के आधार पर रिपोर्ट लिखा जाता है। इसे ही प्रतिवेदन कहा जाता है। किसी घटना, प्रसंग, विवाद, समस्या, स्थिति आदि की छानबीन करने के लिए किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, सार्वजनिक समूह द्वारा किसी अधिकृत व्यक्ति या व्यक्ति समूह अर्थात समिति द्वारा विस्तृत छानबीन तथा समस्या या घटना की जांच पड़ताल कर विशिष्ट काल मर्यादा में अपना स्पष्ट तथा सप्रमाण अभिमत प्रस्तुत करना ही प्रतिवेदन है। भूतकालीन और वर्तमान की घटना, विषय या प्रसंग से संबंधित कार्यों की क्रमबद्ध विवरणी का ही प्रतिवेदन है।
किसी घटित घटना, समारोह आदि के प्रत्यक्ष साक्षी होकर या छानबीन कर तैयार लिखित संक्षिप्त सामग्री प्रतिवेदन है। प्रतिवेदन का सामान्य अर्थ है समाचार पत्र के लिए किसी घटना, दुर्घटना, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आदि का विवरण या रिपोर्ट। प्रतिवेदन का विशेष अर्थ है किसी विशेष विषय, समस्या, योजना, सुझाव आदि के लिए किसी उच्च अधिकारी या समिति द्वारा प्रस्तुत विवरणात्मक एवं सुझावात्मक विवेचन ही प्रतिवेदन है। इस प्रकार के प्रतिवेदन का उपयोग कार्यालयीन लेखन के रूप में किया जाता है। प्रतिवेदन से प्राप्त निष्कर्ष जनता के हितों को ध्यान में रखकर निकाले जाते हैं। विभिन्न प्रकार के सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों में अनेक प्रकार के मामले, समस्याएं आदि की जांच की जरूरत होती है। ऐसे में प्रतिवेदन उपयुक्त होता है। प्रतिवेदन में समस्या के कारणों को ढूंढा जाता है, उसी प्रकार उपायों को भी सुझाया जाता है। प्रतिवेदन का उद्देश्य केवल विवरण देना नहीं है, समस्या का समाधान भी प्रतिवेदन में बताया जाता है। अब देखते हैं प्रतिवेदन के क्षेत्र या विषय। विभिन्न कार्यालयों में अलग अलग विषयों की समस्याएं होती है। कभी किसी घटना की जांच पड़ताल करनी होती है। ऐसे मौके पर एक या अनेक व्यक्तियों की समिति बनाई जाती है। वह समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। प्रतिवेदन के लिए कई विषय हो सकते हैं, जैसे कार्यालयी समस्या, महंगाई, मानवाधिकार हनन, चुनाव, सामाजिक समस्या, आरक्षण नीति, परीक्षा में धांधली, परीक्षा पद्धति में सुधार, शिक्षा नीति में बदलाव, आर्थिक धांधली, स्वास्थ्य समस्या, विदेश नीति, गंदगी, जल आपूर्ति समस्या, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संवर्धन, प्रदूषण, दूषित जल समस्या, दूषित हवा, दूषित पानी, इस प्रकार के कई विषय प्रतिवेदन के लिए हो सकते हैं। अब देखते हैं प्रतिवेदन का उद्देश्य। विभिन्न सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालयों में विभिन्न कारणों के लिए प्रतिवेदन लिखना होता है। बीते घटनाक्रम या परिस्थिति को देखते हुए भविष्य में कुछ सुधारों या उपायों के लिए प्रतिवेदन लिखा जाता है। भूतकालीन घटनाओं को वर्तमान और भविष्य के साथ जोड़कर उसकी उपयुक्तता, निरीक्षण, खोज, महत्व, सुझाव, छानबीन आदि के लिए प्रतिवेदन सहायक साबित होता है। किसी मामले में कुछ सुझाने या वास्तविकता को जानने के लिए प्रतिवेदन आवश्यक माना गया है। अब देखते हैं प्रतिवेदन के तत्व। प्रतिवेदन के निम्न तत्व है। घटना, किसी घटना या समस्या आदि की कार्यवाही के लिए प्रतिवेदन लिखा जाता है, इसलिए घटना या समस्या प्रतिवेदन का मूल तत्व है। अगला तत्व है प्रतिवेदक का चयन। प्रतिवेदक प्रतिवेदन लिखने का काम करता है। प्रतिवेदन लिखने की जिम्मेदारी उसी की होती है। इसके लिए प्रतिवेदक का चयन आवश्यक होता है। प्रतिवेदक एक व्यक्ति या समिति भी हो सकती है। अगला तत्व है समस्या की पड़ताल। समस्या की पड़ताल करना प्रतिवेदक का मुख्य काम होता है, इसलिए तो प्रतिवेदन लिखा जाता है। मुख्य समस्या और उसी के साथ जुड़ी अन्य समस्याओं का विवेचन तथा समस्या की पड़ताल करना जरूरी होता है। अगला तत्व है सबूतों की प्रामाणिकता। प्रतिवेदन लिखते समय प्रामाणिक सबूतों को आधार माना जाता है। प्रामाणिक सबूतों के आधार पर लिखा प्रतिवेदन सर्वमान्य होता है। अगला तत्व सुझाव एवं सिफारिश। प्रतिवेदन के अंतिम पड़ाव में सुझाव एवं सिफारिशों को लिखा जाता है। प्रतिवेदक जब घटना की छानबीन करता है, इसके विविध पक्षों का अध्ययन करता है, तब वह किसी निश्चित नतीजे पर आ जाता है।
यही नतीजे सुझाव एवं सिफारिश के रूप में उपयोगी होते हैं। अगला तत्व काल मर्यादा। प्रतिवेदन किसी निश्चित काल मर्यादा में लिखना चाहिए। प्रतिवेदन लिखने के लिए अधिक की काल मर्यादा उसकी उपयुक्तता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। कम से कम समय में लिखा प्रतिवेदन कारगर सिद्ध होता है। अब देखते हैं प्रतिवेदन प्रविधि एवं प्रक्रिया। प्रतिवेदन के कुछ चरण है वे इस प्रकार है। उचित कारण, प्रकरण, समस्या अथवा प्रसंग का औचित्य। प्रतिवेदन की प्रस्तुति के लिए प्रतिवेदक या समिति का गठन। अगला है उद्देश्यों के अनुसार प्रतिवेदन की रूपरेखा। आवश्यकता होने पर सूचना का सार्वत्रिकरण। शिकायत, सूचना एवं मतों की स्वीकृति। तथ्यों एवं प्रमाणों का विश्लेषण। प्रत्यक्ष अभिलेखन अर्थात प्रतिवेदन। प्रतिवेदक, प्रतिवेदकों के हस्ताक्षर। प्रतिवेदन की प्रस्तुति। अब देखते हैं प्रतिवेदन के प्रकार। औपचारिक, अनौपचारिकता के आधार पर प्रतिवेदन के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले औपचारिक प्रतिवेदन। सरकारी आदेश के अनुसार जो कार्यवृत्तांत लिखा जाता है उसे औपचारिक प्रतिवेदन कहा जाता है। किसी समस्या को लेकर सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अर्थात प्रतिवेदन औपचारिक प्रतिवेदन कहा जाता है। अब देखते हैं अनौपचारिक प्रतिवेदन। किसी सामान्य आयोजन या गतिविधि को लेकर इस तरह के प्रतिवेदन लिखे जाते हैं। किसी कार्यक्रम, व्याख्यान, प्रतियोगिता, विशिष्ट दिवस, विशेष कार्य, सामाजिक गतिविधि आदि को लेकर जो प्रतिवेदन लिखे जाते हैं उसे अनौपचारिक प्रतिवेदन कहा जाता है। प्रतिवेदक की संख्या के आधार पर प्रतिवेदन के दो प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहला प्रकार एकल व्यक्ति द्वारा तैयार प्रतिवेदन। इस प्रकार के प्रतिवेदन किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखे जाते हैं। इस तरह के प्रतिवेदन लिखने वाला संबंधित विषय का ज्ञाता या विशेषज्ञ होता है। विषय की गहरी समझ और अनुभव के आधार पर यह प्रतिवेदन लिखा जाता है। अब दूसरा प्रकार समिति द्वारा तैयार प्रतिवेदन। दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा यह प्रतिवेदन लिखा जाता है। विषय की व्याप्ति गहरी होने पर किसी समिति के माध्यम से यह प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। इस समिति में अनेक विशेषज्ञ होते हैं। सभी के विचारों, अनुभवों और मतों के आधार पर प्रतिवेदन लिखा जाता है। इस प्रकार के प्रतिवेदन में किसी एक को समिति का प्रमुख या अध्यक्ष बनाया जाता है। अब देखते हैं प्रतिवेदन की विशेषता। सबसे पहली विशेषता तथ्यात्मकता। अलग अलग स्रोतों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर ही प्रतिवेदन तैयार करना आसान होता है। दूसरी विशेषता प्रामाणिकता। प्रतिवेदन तैयार करते समय जो भी तथ्य प्राप्त होते हैं वे प्रामाणिक होने चाहिए। घटना, प्रसंग, समस्या, शिकायत आदि की छानबीन करते समय या तथ्यात्मक रिपोर्ट लिखते समय प्रामाणिक तथ्यों सामग्री का संकलन आवश्यक होता है। अगली विशेषता निष्पक्षता। प्रतिवेदन को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। किसी प्राधिकृत व्यक्ति या समिति द्वारा प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। भविष्य में भी इन प्रतिवेदनों की उपयोगिता अनन्य साधारण होती है, इसलिए प्रतिवेदन निष्पक्ष होना चाहिए। प्रतिवेदन लिखते समय पूर्वग्रह की भावना को त्याग कर निष्पक्षता से प्रतिवेदन लिखना चाहिए। अगली विशेषता उपयोगिता। प्रतिवेदन में लिखित सामग्री समाज, राष्ट्र, मानवीयता की भलाई के लिए होनी चाहिए। प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष रहकर लिखा प्रतिवेदन निश्चित ही उपयोगी होता है।
प्रतिवेदन में समस्या के विधान के साथ साथ सुझावों की भी चर्चा होती है, इसलिए भी प्रतिवेदन उपयुक्त होता है। अगली विशेषता है निर्णयात्मकता। प्रतिवेदनकर्ता विशिष्ट अवधि में अनेक साक्ष्यों एवं प्रमाणों के आधार पर प्रतिवेदन लिखते हैं। प्रतिवेदन में वे किसी निश्चित निर्णय की ओर संकेत करते हैं। इन निर्णयों को सुझाव के रूप में भी देखा जा सकता है। प्रतिवेदन की फलश्रुति के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। प्रतिवेदक कोई निश्चित निष्कर्ष के माध्यम से अपना निर्णयात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। अगली विशेषता निष्पक्षता। प्रतिवेदक को निष्पक्षता के साथ प्रतिवेदन लिखना चाहिए। प्रतिवेदन योग्य साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर लिखा जाता है। प्रतिवेदन में जो भी विवरण लिखा जाता है वह पूरी तरह निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष प्रतिवेदन को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है। अगली विशेषता है संक्षिप्तता। प्रतिवेदन के लिए संक्षिप्तता अच्छा गुण माना जाता है। विवरण की पुनरुक्ति को प्रतिवेदन में टालना चाहिए। प्रतिवेदन बड़ा या छोटा हो इसके संदर्भ में कोई निश्चित सीमा नहीं है, लेकिन प्रतिवेदन का विषय व्याप्ति इसी के आधार पर प्रतिवेदन का आकार निर्भर करता है। प्रतिवेदन में पुनरुक्ति को टालकर संक्षेप में सारगर्भित आशय की अपेक्षा होती है। अगली विशेषता स्पष्टता। प्रतिवेदन का आशय स्पष्ट होना चाहिए। प्रतिवेदन को पढ़कर ना कोई द्विअर्थ के भ्रम में रहे और ना ही कोई असंबद्ध अर्थ ग्रहण करे। प्रतिवेदक जितनी अधिक स्पष्टता से प्रतिवेदन लिखेगा उतना ही अधिक प्रतिवेदन कारगर सिद्ध होगा। स्पष्टता के कारण प्रतिवेदन में प्रतिपादित विचारों में भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। आप देखते हैं प्रतिवेदन कैसा हो इसके संदर्भ में कुछ जानकारी। प्रतिवेदन लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बनानी चाहिए। उसका ठीक ठीक घटनाक्रम होना चाहिए। प्रतिवेदन लिखते समय प्रामाणिकता का निर्वाह भी होना चाहिए। समय और प्रसंग की घटनाओं को स्थान देना चाहिए। प्रतिवेदन के अंतिम चरण में निष्कर्ष या सुझाव लिखने चाहिए, तब कहीं प्रतिवेदन अधिक प्रभावी हो सकता है। प्रतिवेदन के संदर्भ में कुछ बातें दृष्टव्य है, वे इस प्रकार है। प्रतिवेदन किसी विशिष्ट विषय पर केंद्रित होना चाहिए। प्रतिवेदन संक्षिप्त होना चाहिए। प्रतिवेदन की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। प्रतिवेदन में घटना समस्या आदि की तिथि दी जाती है। प्रतिवेदन में अनावश्यक विवेचन को कोई स्थान नहीं है। प्रतिवेदन घटना की सत्यता पर ही आधारित होता है। प्रतिवेदन का विवरण क्रमानुसार होना चाहिए। प्रतिवेदन में पुनरुक्ति को टालना चाहिए। प्रतिवेदन की भाषा साहित्यिक नहीं होती है। प्रतिवेदन में प्रथम पुरुष का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रतिवेदन में अनावश्यकता के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रतिवेदन में व्यक्तिगत विचार नहीं होने चाहिए। प्रतिवेदन निष्पक्ष होता है। प्रतिवेदन को शीर्षक होना चाहिए। प्रतिवेदन का शीर्षक स्पष्ट एवं सारगर्भित होना चाहिए। प्रतिवेदन के शीर्षक से ही प्रतिवेदन की विषय वस्तु का बोध होना चाहिए। प्रतिवेदन के बाद प्राप्त निष्कर्ष या सुझावों का उल्लेख होना चाहिए। अब देखते हैं प्रतिवेदन का एक उदाहरण, मुंबई में अवैध बस्तियों के संदर्भ में प्रतिवेदन। प्रतिवेदन, सबसे पहले दाई ओर तिथि, उसके बाद स्थान, उसके पश्चात
मुंबई में अवैध बस्तियों की बढ़ती संख्या को देखकर सर्वेक्षण हेतु मुंबई के महापौर द्वारा गठित त्रिसदस्यीय समिति द्वारा अध्ययनोपरांत प्राप्त निष्कर्ष। सबसे पहला, मुंबई में लगभग 217 अवैध बस्तियां हैं। इनमें से सर्वाधिक 80 बस्तियां पूर्व मुंबई में है। पश्चिम मुंबई में 27 बस्तियां हैं। मध्य मुंबई में 10 अवैध बस्तियां हैं। 10 बस्तियां इसी वर्ष के भीतर बसी हुई है। नंबर दो, अवैध बस्तियों में रहने वालों के पास भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। नंबर तीन, इन बस्तियों के आसपास के नागरिकों में असुरक्षा की भावना है। इन नागरिकों के पास अवैध हथियार है। वे लोग गुटों में दहशत फैलाते हैं। नंबर चार, 12 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध बस्तियां हैं। अब देखते हैं सुझाव। अवैध बस्तियों में रहने वालों की नागरिकता की जांच करें। इन बस्तियों को खाली कराकर खेल मैदान का निर्माण किया जाए। शहर के अन्य इलाकों में उपलब्ध खाली सरकारी जमीन को भी विकसित किया जाए ताकि वहां पर अतिक्रमण ना हो सके। अब देखते हैं अभिमत। समिति का सर्वसम्मति से मत है कि तत्काल प्रभाव से इन बस्तियों पर प्रशासनिक एवं कानूनी कार्यवाही की जाए। उसके बाद सदस्यों के नाम, पद और हस्ताक्षर। सबसे पहले अध्यक्ष का नाम, उसका पद और हस्ताक्षर, उसके बाद सदस्य का नाम, हस्ताक्षर, अन्य सदस्य का नाम और हस्ताक्षर। तो मित्रों, यह था प्रतिवेदन का उदाहरण। आपने इस वीडियो के माध्यम से प्रतिवेदन को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आप इसे दो या तीन बार देखकर या वीडियो को पॉज करके भी इसकी सामग्री को लिखकर ले सकते हैं या वीडियो दो तीन बार भी देख सकते हैं। आप इसी तरह के अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, हिंदी प्रौद्योगिकी परीक्षा आदि के लिए उपयोगी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।